Good morning, viewers. This is Rajni Multani from PG Department of Computer Science and IT, Doaba College, Jalandhar. Today we are going to discuss the topic of deadlock in operating system. First of all, what is deadlock? Deadlock is a situation where a set of processes gets blocked. It means एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में जब मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हो और काफ़ी सारी प्रोसेसेस वर्क कर रही होती हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा होता है, हर एक प्रोसेस के पास एक अपना रिसोर्स तो होता है, बट उनको एक और रिसोर्स चाहिए जो उस टाइम पर किसी और प्रोसेस ने पकड़ा हुआ है. तो उस टाइम पर क्या है, दे आर वेटिंग फॉर दैट रिसोर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पर काफ़ी सारा ब्लॉक हो जाता है प्रोसेसेस का. So, this situation is called deadlock. So, we can say a process is said to be in a deadlock state if it is waiting for a particular event that will not occur. Let us understand it with the help of an example. So, we are seeing the example shown in the figure where process 1 is having a resource 1 with itself. और वो वेट कर रही है रिसोर्स 2 के लिए जो असाइन किसको है, प्रोसेस 2 को. सिमिलरली प्रोसेस 2 के पास रिसोर्स 2 है और वो वेट कर रही है रिसोर्स 1 के लिए जो असाइंड है प्रोसेस 1 को. तो ये सिचुएशन है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक प्रोसेस 1 रिसोर्स 1 को नहीं छोड़ेगी तो प्रोसेस 2 नहीं वो ले पाएगी, और सिमिलरली जब तक प्रोसेस 2 रिसोर्स 2 को नहीं छोड़ेगा तो प्रोसेस 1 वो एक्वायर नहीं कर पाएगी. सो आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन दैट व्हाट इज डेडलॉक. नाउ देयर आर कंडीशंस फॉर अ डेडलॉक टू अकर इन अ सिस्टम. वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है एटलीस्ट एक रिसोर्स ऐसी होनी चाहिए जो नॉन शेयरेबल मोड में हो. मतलब कि एक ही प्रोसेस को एक टाइम पर एक रिसोर्स यूज़ करने की परमिशन होनी चाहिए. एक अगर अलग प्रोसेस आती है उस रिसोर्स के लिए तो उस रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को डिले करना चाहिए जब तक वो रिसोर्स रिलीज नहीं कर देता प्रोसेस 1. सो वी मीन टू से दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन शुड बी होल्ड इन द सिस्टम. द सेकेंड कंडीशन इज होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट अ प्रोसेस जो एक रिसोर्स के पकड़ी हुई है और दूसरी के लिए वेट कर रही है. थर्ड कंडीशन है नो प्रिम्पशन. रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड. इसका मतलब ये है एक रिसोर्स अगर किसी प्रोसेस को दी गई है तो वो रिसोर्स तब तक रिलीज नहीं होगी, तब तक प्रिम्प्ट नहीं होगी जब तक उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन फुली नहीं हो जाती. द लास्ट कंडीशन इज सर्कुलर वेट. सर्कुलर वेट का मतलब है एक चेन बन जाना प्रोसेसेस की जिसमें हर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को पकड़े हुए हैं और किसी दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं. तो ये चेन जो बन रही है दैट इज रिजल्टिंग इन द सर्कुलर वेट. सो दीज वर द फोर कंडीशंस फॉर द डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ मूविंग ऑन वी सी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. What is resource allocation graph? Resource allocation graph is kind of a graph that includes a set of vertices and set of edges. अब यहाँ पर जो vertices हैं उनको दो type of nodes में बांटा गया है. एक जो node है वो है processes की, जिसको हम नाम दे रहे हैं set P. और दूसरी जो नोड है वो है रिसोर्सेज की, जिनको हम नाम दे रहे हैं सेट आर. और एज क्या है? एज जो है एक प्रोसेस जो दूसरे रिसोर्स को मतलब असेस कर रहा है वो एक डायरेक्टेड एज बना रहा है, जिसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस जो पी है वो रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिसोर्स के लिए एंड वेट कर रहा है उस रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए.
So basically, processes and resources ko we define in the terms of resource allocation graph. So we can say that a resource allocation graph tracks which resource is held by which process and which process is waiting for a resource of a particular type. मतलब कौन सी रिसोर्स कौन सी प्रोसेस होल्ड करके बैठा हुआ है एंड वो कौन सी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है. सो लेट अस सी एन एग्जांपल. वी आर सीइंग अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद टू कंडीशंस. एक लेफ्ट साइड पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है विदाउट डेडलॉक एंड राइट साइड पे इट इज विद डेडलॉक. पहले हम विदाउट डेडलॉक वाला देखते हैं. यहाँ पर रिसोर्स R1 आप देख रहे हैं असाइंड है टू P1 एंड P3 प्रोसेस इस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है. सिमिलरली रिसोर्स 1 का जो सेकेंड इंस्टांस है वो असाइन किया गया है P2 को एंड P2 वेट कर रही है रिसोर्स R2 के लिए. और जहाँ पर R2 जो है वो असाइन किया गया है P3 के लिए. तो यहाँ पर हर एक प्रोसेस एक रिसोर्स पकड़े हुए हैं और एक रिसोर्स दूसरे के लिए वो वेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विदाउट डेडलॉक. अब डेडलॉक कब होगा सेकंड कंडीशन में. राइट हैंड साइड में आप देखें जो रिसोर्स R1 थी उसके जो दो पार्ट्स हैं उसमें से एक पार्ट जो है वो P1 को असाइंड है और दूसरा वाला P2 को. अब P3 है वो रिसोर्स R1 के एक पार्ट को असेस करना चाहते हैं. अब बात आ गई उसके पास कौन सा रिसोर्स है. उसके पास R2 रिसोर्स है जिसको अब रिक्वेस्ट करने वाले दो आ गए हैं. P1 भी चाहता है वो रिसोर्स एंड P2 भी. तो यहाँ पर डेडलॉक आ जाएगा. जब P3 छोड़ेगी अब ये नहीं पता है कि P1 एक्वायर करेगा उसको या P2. So this is a resource allocation graph which is representing a deadlock. अब strategies क्या हैं इन deadlocks को handle करने के लिए. First है deadlock prevention. Deadlock prevention एक set of methods हैं जो limit लगाती हैं ensure करने के लिए कि at least जो deadlock की four necessary conditions हैं that cannot hold. तो ये एक यहाँ पर रूल्स सेट ऑफ रूल्स और मेथड्स बनाए जाते हैं जिससे हम इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट उनमें से कोई एक कंडीशन ना होल्ड करे और डेडलॉक प्रिवेंट किया जा सके. सेकंड है डेडलॉक अवॉइडेंस. इसमें ध्यान रखा जाता है कि प्रोसेस की स्टेट जो है वो सेफ हो. अब स्टेट सेफ कब होती है जब हमें एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस नज़र आ रही होती है अपने सिस्टम में ताकि सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन करें और वेट भी करें प्रोसेस रिसोर्सेस की बट उनकी एग्जीक्यूशन भी ख़राब ना हो. नेक्स्ट स्ट्रेटजी है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. इस मेथड्स में क्या किया जाता है इसमें हम अलाउ करते हैं डेडलॉक को अकर होने के लिए फिर उस डेडलॉक प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं एंड फाइंड करके वी फाइंड अ सोल्यूशन बाय ब्रेकिंग देम. अब इन स्ट्रैटेजीज को डिटेल में हम करेंगे पार्ट टू में. आई होप आपको बेसिक्स ऑफ डेडलॉक समझ आया हो. थैंक यू.